हेलो इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस एपिसोड के साथ। आज के इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे मिसेस बेक्टर फूड्स के बारे में। यहाँ पे कंपनी का रिजल्ट आया है कल, तो हम लोग एक बार को रिजल्ट भी देख लेंगे, फिर हम लोग आते हैं चार्ट पे और वो भी देखते हैं कि किन लेवल्स पे हम लोग यहाँ पे पोजिशन बना सकते हैं अगर ऐड करना हुआ तो। अब मार्केट कैप वाइज देखी जाए तो ये एक मिड कैप कंपनी है, मिड कैप रेंज की 5200 या 5300 के आसपास की इसकी मार्केट कैप है। अब रिजल्ट की बात की जाए तो रिजल्ट इनका काफ़ी अच्छा आया है। यहाँ पे अगर देखोगे तो 24% से यहाँ पे इनकी ईयर ऑन ईयर सेल्स बढ़ी है। मतलब अगर यहाँ पे देखा जाए जून 2022 से जून 2023 के अंदर अगर चेक करें हम लोग तो यहाँ पे 300 से 374 के पास इनकी सेल्स आई है। साथ ही साथ अगर क्वार्टरली देखा जाए तो क्वार्टरली भी हर साल इंक्रीमेंट देखने के लिए हमें मिल रहा है। यहाँ पे अदर इनकम्स या तो मार्जिन दोनों में से कोई एक चीज़ बढ़ी है, इसके वजह से आप लोग देखोगे तो यहाँ पे अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन और यहाँ पे नेट प्रॉफिट और ईपीएस भी साथ ही साथ बढ़े हैं। लेकिन ये जो बढ़ावट है वो यहाँ पे सेल से ज़्यादा है। इसका साफ मतलब ये है कि कंपनी की मार्जिन बढ़ी है और वो हमारे लिए एक पॉजिटिव फैक्टर है। एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये मार्जिन है कि ये अदर इनकम्स। अब यहाँ पे चेक किया जाए जून 2022 के अंदर तो 10% की मार्जिन मिल रही थी, अब यहाँ पे 15% की मार्जिन मिल रही थी। तो मतलब यहाँ पे साफ साफ 50% का एक इंक्रीमेंट देखने के लिए मिला है मार्जिन में, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव फैक्टर है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे रिजल्ट भी उसी वजह से यहाँ पे इम्पैक्ट हुआ है, यहाँ पे रिजल्ट भी इसीलिए काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है यहाँ पे, और वो चीज़ हमें प्राइस में रिफ्लेक्ट भी होगी। यहाँ पे अगर देखो तो काफ़ी समय से कंपनी एक अप ट्रेंड के अंदर है। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत कंपनी के नंबर्स डिस्कस किए जाए तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों आइडल रेशियो मतलब 15% के ऊपर है। सेल्स ग्रोथ 21% की यहाँ पे, प्रॉफिट ग्रोथ 98% का, और उसके हिसाब से स्टॉक की पी यहाँ पे 47 की मिली है, जो कि कहीं ना कहीं फेयर है। अब ये फेयर इसलिए है, अंडर वैल्यूड इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ कंपैरेटिवली ज़्यादा है और सेल्स ग्रोथ पिछले 3 साल में 21% की एवरेज है। अगर ये 2-3 साल तक प्रॉफिट ग्रोथ ऐसे देते रहा, 2-3 साल नहीं, सिर्फ 1 साल और 2 साल के अंदर अगर सेम प्रॉफिट ग्रोथ बना के रखता है तब हम लोग कह सकते हैं कि कंपनी अंडर वैल्यूड हो गई और फिर वो और रनअप देखने के लिए हमें मिलेगी, या कह सकते हो कि कैचअप प्ले करेगा प्राइस। वहाँ पे प्राइस जो है वो अपने प्रॉफिट को पीछे पीछे भाग रहा होगा, जैसे जैसे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी कंपनी की वैसे वैसे कंपनी की प्राइस भी भागेगी। बिजनेस वेक्टर वैसे आप लोगों को पता होगा कई सारे कुकी बेकरी प्रोडक्ट के अंदर है, तो यहाँ पे मार्जिन आपको बहुत ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिलेंगे, बट फिर भी 10-15% इन्होंने अपनी ऑपरेटिंग मार्जिन कर ली, वो एक बहुत ही पॉजिटिव फैक्टर है हमारे लिए। और यहाँ पे ईयर ऑन ईयर रिजल्ट देखा जाए तो ट्रेलिंग 12 मंथ में 2023 का रिजल्ट ऑलरेडी बीट कर चुका है, तो नेक्स्ट साल हम लोग को एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। यहाँ पे मार्जिन देखेंगे तो फिर से बढ़ते हुए नजर आ रही है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट के अंदर काफ़ी इंप्रेसिव ग्रोथ देखने के लिए मिली है हम लोग को। अब यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात की जाए तो प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पे 51% पे है, FIs की यहाँ पे बढ़ी है, DIs की यहाँ पे बढ़ी है, जो कि पॉजिटिव फैक्टर है। जब इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग बढ़ती है तो कंपनी का दाम भी उसी हिसाब से बढ़ता है, क्योंकि देखो ना यहाँ पे पब्लिक हमारी मूव कर सकती है स्टॉक का भाव, नहीं प्रमोटर्स, क्योंकि प्रमोटर्स कभी इतना ज़्यादा तेज़ी से बाय नहीं करते हैं, बहुत रेयर केस में बाय करते हैं। यहाँ पे लेकिन FIs और DIs की होल्डिंग जिस हिसाब से बढ़ी है उस हिसाब से यहाँ पे कंपनी की प्राइस का मोमेंटम भी बढ़ा है। अब यहाँ पे पिछली बार जब हम डिस्कस किए थे तब हम लोग इन वाले लेवल्स पे कहे थे बाय करना, यहाँ पे 421 पे स्टॉप लॉस लगाना, यहाँ तक का पहला टारगेट होगा, यहाँ पे ऑल टाइम हाई के उसके बाद पॉज देके ऊपर जाता है, तो अपसाइड के लिए भी आप लोग प्ले कर सकते हो, और वही सेम चीज़ देखने के लिए मिली है। अब यहाँ पे फर्दर देखा जाए क्या किया जा सकता है, तो एक चीज़ यहाँ पे देखो तो एक ऑलमोस्ट पैरेलल चैनल बन रहा है, तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं कि पैरेलल है कि नहीं है। इन केस है तो यहाँ पे हम लोग को एक चीज़ यहाँ पे देखना पड़ेगा जो कि है यहाँ पे पैरेलल चैनल के अंदर, तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा रीटेस्ट करने के लिए कंपनी नीचे आ सकती है, भले ही रिजल्ट अच्छा आया हो, लेकिन अगर यहाँ से डाउनसाइड से ब्रेक करती है तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को डाउनसाइड देखने के लिए मिल सकता है। प्राइस यहाँ पे आपको 717 तक रीट्रेस करते हुए मिल सकता है। लेकिन देखो यहाँ पे इंडियन मार्केट के अंदर एक चीज़ हमने ऑब्जर्व किया ना, ये जो चैनल होता है वैसे ये होता है नेगेटिव है, जब चैनल अपसाइड की तरफ हो थोड़ा सा पैरेलल चैनल, वो एक नेगेटिव पैटर्न होता है। अब यहाँ पे चैनल कुछ ऐसा डाउन साइड बनता तब वो पॉजिटिव फैक्टर होता और उसके अंदर प्राइस यहाँ पे जब इस रेंज में ऐसे लगातार ट्रेड करती नीचे आती रहती, फिर यहाँ से अप साइड से ब्रेकआउट मिलता है, ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे कम से कम जहाँ से स्टार्टिंग होती है इस डाउन ट्रेंड की वहाँ तक पहुँचता है। ये एक प्राइस एक्शन है या कह सकते हो कि एक ये थ्योरी है, लेकिन इंडियन मार्केट में हमने देखा ये हर बार काम नहीं करता है और ये सिर्फ यहीं पर होता है हमें लगता है, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी ऐसा देखोगे इस चैनल में ट्रेड करने के बाद ऊपर से भी ब्रेकआउट दे देता है, बहुत ही रेयर केस है, लेकिन ऊपर से भी हमने ब्रेकआउट करते देखा है मार्केट में, तो आप लोग को यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर ऊपर से ब्रेकआउट देता है तो छोटा सा स्टॉप लॉस लेके 15-20% तक का आप लोग टारगेट ले सकते हो। इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनी अच्छी है, यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से एक्सपैंड कर रही है अपनी प्रेजेंस मार्केट के अंदर, तो वो हमारे लिए एक अच्छी बात है फिलहाल के लिए। तो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए भी हमें लगता है कि कंपनी अच्छा रिटर्न आपको प्रोवाइड कर सकती है, सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी है, तो आप लोग को डेफिनेटली यहाँ पे कम से कम कुछ नहीं तो 20-30% के बीच में तो रिजल्ट प्रोवाइड करके देगी। 20-30% अगर आपको मिल रहा है साल के अंदर कम से कम भी, तो वो तो बहुत अच्छी चीज़ है, इसके ऊपर तो और डेफिनेटली कंपनी रिटर्न प्रोवाइड कर सकती है क्योंकि अभी एक अप ट्रेंड के अंदर है कंपनी। और इसी के साथ फिलहाल चलेंगे, कंपनी अच्छी है फिर से एक बार आपको रिमाइंड दे दें।
तो यहाँ पे बस बेसिकली आपको देखना है कि चैनल के नीचे ना टूटे, क्योंकि चैनल के नीचे टूटती है तो थोड़ा सा डाउन साइड देखने के लिए मिल जाता है, और डाउन साइड आता है तो उसको भी हम लोग ऐसा अपॉर्चुनिटी यूज कर सकते हैं बाइंग के लिए। इस वाले डिप में आएगा 717 के पास आएगा, तो यहाँ से रिवर्सल लेते हैं हम लोग, फिर से पोजिशन ऐड कर सकते हैं उसके पास। हालांकि जब आएगी एक बार फिर से हम लोग वीडियो कवर करेंगे और देखेंगे कि कब बाय करना चाहिए, अदरवाइज खुद से भी आप लोग बाय कर सकते हो। इसी के साथ चलेंगे, मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना, बेल आइकन वाली नोटिफिकेशन बटन जरूर दबाना, और अपना कैपिटल साफ साफ मत रखना, सेफ रखना। ओके बाय।